समाजवादी पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और ये जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। जो समस्या उठाई गई है, चाहे वो मैनिफेस्टो में हो और चाहे वो वहाँ के लोगों में हो, कारोबारी में हो, उस पर कितना ध्यान दिया जाता है। भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण। समाजवादी पार्टी ने एक घोषणा पत्र जारी किया है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और ये जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने यूपी जीत लिया तो दिल्ली की गद्दी पर बैठना मुश्किल नहीं होता है, राह बहुत आसान हो जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनावों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। सीटों का बंटवारा भी लगभग तय हो चुका है और आज घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। तो घोषणा पत्र के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी एट नाइन में, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आखिर समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से चाइना को क्या परेशानी है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ दिया है, एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बहुत कुछ था, धीरे धीरे आपको बताऊंगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पेज से सुझाव मांगे गए थे, इन्हीं सुझावों के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। लोगों के सुझाव के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। जनता के मांग पत्र के रूप में सोशल मीडिया पर जानकारी हासिल की गई। सभी ने समय समय पर हमें अपने सुझाव दिए, सभी का संकलन है। उन्होंने कहा कि जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार है। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि अपने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में मुख्य मांगे हैं संविधान की रक्षा का अधिकार, रक्षा का अधिकार लोकतंत्र, मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार। देश के विकास के लिए सामाजिक न्याय का अधिकार आवश्यक है। देश की जाति जनगणना के बिना समावेशी विकास संभव नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी 80% तक पहुंच गई है, गांव में 90% तक बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश का हाल और खराब है, सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती, भाजपा ने प्रदेश में जानबूझकर पेपर लीक कराए हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गरीबों तक आने वाला राशन घटिया है, पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा। अखिलेश ने कहा कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, GDP 3% से बढ़ाकर 6% करेंगे, पुराने पेंशन स्कीम भी सभी विभागों में बहाल की जाएगी। अखिलेश यादव एक के बाद एक कई वादे आम जनता से करते रहे। कहा कि सीमाएं असुरक्षित होती जा रही है, भारत के कुछ हिस्से में सीमा सिकुड़ रही है, अग्निवीर सोची समझी रणनीति है, अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा दोबारा आई तो कहीं पुलिस PSC में भी 3 साल की नौकरी ना कर दे। अखिलेश ने घोषणा पत्र जारी करते वक्त आटा और डेटा के अधिकार की बात भी की, उन्होंने शिक्षा का भी जिक्र किया। अखिलेश ने कहा कि जनता का साथ होगा तो सबसे ज्यादा सीट पाएंगे, भाजपा के वादे झूठे वादे रहेंगे, सपा अधिकारों की बात करती है। जयंत चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जहां हम जाएंगे वहां कोई नहीं आ पाएगा। हाल ही में एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरने पर कहा कि यही हमारी क्वालिटी है। सपा के घोषणा पत्र के बड़े वादे क्या हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने का वादा, सपा ने मनरेगा में मजदूरी बढ़ाकर 450 रुपए करने का वादा किया है। मनरेगा में कार्य दिवस बढ़ाने का वादा, सपा ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या बढ़ाने का वादा भी किया है। सत्ता में आने पर मनरेगा के तहत कार्य दिवस के दिन 150 तक किए जाएंगे। खाली सरकारी पद भरने का वादा, घोषणा पत्र में सपा ने सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पद तत्काल भरने का वादा किया है। घोषणा पत्र के अनुसार सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित होगा। घोषणा पत्र में सपा के युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरी देश में लागू करने का भी वादा किया गया है। समाजवादी पार्टी ने पुलिस समेत सभी सरकारी विभागों की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का भी वादा किया है। लड़कियों के लिए KG से PG तक फ्री शिक्षा की बात की गई है। देखिए, सपा ने लड़कियों के लिए बड़ा ऐलान किया है और जिस पर गौर करना जरूरी है। घोषणा पत्र के अनुसार सरकार बनने पर KG से PG तक लड़कियों को फ्री शिक्षा मिलेगी।
संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का वादा भी सपा ने किया है। सपा ने घोषणा पत्र में महिलाओं को डायरेक्ट कैश बेनिफिट का वादा किया। सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति महीने तक की मासिक पेंशन मिलेगी। सपा ने जातिगत जनगणना कराने का भी वादा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इसमें देर नहीं होनी चाहिए, सत्ता में आने पर साल 2025 तक जातीय जनगणना कराई जाएगी। मुफ्त राशन योजना में मिलने वाले गेहूं की जगह आटा देने का सपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है। ये आटा पौष्टिकता और गुणवत्ता के मामले में अच्छा होगा। गुणवत्ता के मामले में आटा देश की सबसे अच्छी कंपनी के मुकाबले का रहेगा। सपा ने एक और बड़ा वादा किया है। घोषणा पत्र के अनुसार सत्ता में आने पर राशन कार्ड धारक हर फैमिली को 500 रुपये का मोबाइल डाटा मुफ्त में मिलेगा। मोबाइल डाटा और मुफ्त से डाटा डिजिटल संपन्न बनाम डिजिटल विपन्न में डिजिटल डिवाइस का अंतर नहीं रहेगा। तो ये तो बात हो गई घोषणा पत्र की, लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस घोषणा पत्र में कि चीन को इससे डर लग रहा है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है, शहर मुरादाबाद, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है दुनिया भर में। यहां से देश और विदेश को पीतल के बर्तन और सजावटी आइटम बनाकर भेजे जाते हैं। लेकिन इस बार जहां पीतल बाजार में कारोबारी मंदी है, तो वहीं लोकसभा चुनाव प्रचार में भी अभी कहीं कोई जोश दिखाई नहीं दे रहा है। यहां के कारोबारियों के मुताबिक कोरोना काल से शुरू हुई मंदी, फिर रूस यूक्रेन की जंग और इसराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में ईरान के शामिल होने से दुनिया भर के बाजार मंदी में है। प्रतिद्वंदी चीन ने भी मंदी को देखते हुए अपने उत्पादों की कीमत कम कर दी है, जिससे भारतीय हैंडीक्राफ्ट को कड़ी टक्कर मिल रही है। देखिए, मुरादाबाद के जो लोग हैं उनके पास, उनका कहना है कि ईरान और रूस से पीतल हैंडीक्राफ्ट के बड़े ग्राहक थे। ईरान में भी बड़ी मांग होती थी। अमेरिका की ओर से रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगा देने से डॉलर में भी कमी काम नहीं हो पा रहा है, इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। आगे वो कहते हैं कि अब इन देशों से सिर्फ रुपये में ही कारोबार हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी माल बाहर जाने से रुक गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग कंपनियों ने रेट काफ़ी बढ़ा दिया है, जिससे भाड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनके मुताबिक 2021 से 22 में मुरादाबाद से लगभग 10,000 करोड़ का निर्यात हुआ था, जो घटकर अब 7,000 करोड़ के करीब रह गया है। आने वाले साल में और भी कम होने की आशंका है, क्योंकि दिल्ली फेयर में भी ऑर्डर ज़्यादा अच्छे नहीं मिले। उनका कहना है कि दुनिया भर में विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से विदेशी ऑर्डर नहीं मिल पा रहे। पीतल बाजार में मंदी का असर चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। इस बार किसी भी पार्टी की तरफ से बहुत अधिक कोई शोर शराबा या चुनाव प्रचार नहीं हो रहा। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के कारण सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर जहां समाजवादी पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो वहीं बीमार होने की वजह से बीजेपी प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे, जिससे चुनाव प्रचार ठंडा ही पड़ रहा है। स्थानीय मतदाता अभी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने एक तरफ कारोबारी मंदी बड़ा मुद्दा है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी से परेशान है। पीतल कारोबारी कहते हैं कि मुरादाबाद के पीतल दस्तकारों ने चीन से मुकाबले का तोड़ कई साल पहले ही निकाल लिया था। वो कहते हैं कि पीतल में आइटम महंगा पड़ता था और चीन सस्ते में उसी तरह के आइटम बना रहा था, तो मुरादाबाद के कारीगरों ने भी पीतल की जगह लोहे, एल्युमिनियम और स्टील में उत्पाद बनाने शुरू कर दिए। साथ ही फिनिशिंग भी पीतल वाली करके माल को बाजार में उतार दिया। उनका कहना है कि हमारे कारीगरों को सरकार से मदद नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से चीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार चुनौती दे रहा है। बाजार में मंदी का असर सब पर पड़ रहा है। यहाँ का कारीगर आज ई रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद से लगभग 11,000 करोड़ का निर्यात और 8,000 करोड़ का घरेलू पीतल कारोबार होता था। इस तरह हर साल यहाँ से लगभग 19,000 करोड़ का पीतल कारोबार हो गया। दुनिया के कई देशों में जंग के कारण कारोबार पर असर पड़ रहा है, क्योंकि पीतल उत्पाद आवश्यक वस्तुओं में नहीं है। आदमी पहले अपने खाने पीने और पहनने की वस्तुओं पर खर्च करता है, फिर भी मुरादाबाद का पीतल उद्योग लगातार तरक्की कर रहा है। टर्नओवर हर साल बढ़ती जा रही है। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक डर सा वहाँ के लोगों में हो गया है, क्योंकि जैसे कि वहाँ के लोग बता रहे हैं कि चुनाव भी उतना प्रचार नहीं हो रहा है। देखिए, अगर गौर करने वाली बात है तो मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा प्रत्याशी हैं, जिनका विरोध खुद सपा के ही सांसद डॉक्टर एसटी हसन कर रहे हैं। बीजेपी से कुंवर सर्वेश सिंह प्रत्याशी हैं। बताया जा रहा है कि बीमार होने की वजह से वो चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे। उनके बेटे सुशांत और पार्टी के अन्य सभी नेता चुनाव प्रचार का वोट मांग रहे हैं। सपा के फैसले से हैरान क्यों है? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा और पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के बीच टिकट को लेकर नाराजगी है। सपा ने पहले एसटी हसन को मुरादाबाद से अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनके बाद उनका टिकट काटकर आजम खान की करीबी बिजनौर की रहने वाली रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया।
रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दी गई है। रुचि वीरा अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है, लेकिन सपा सांसद डॉक्टर हसन ने दूरी बना रखी है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के अंदर गुटबाजी है। आलाकमान ने डीपी यादव को जिलाध्यक्ष के पद से हटाकर जयवीर सिंह यादव को दे दिया है। देखिए, चुनावी माहौल है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को उठाना पड़ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर चीन का जिक्र इस मैनिफेस्टो में भी है और इस मैनिफेस्टो का जिक्र कहीं ना कहीं मुरादाबाद के जो कारोबारी हैं उनमें देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से चीन और बाकी जैसे विश्व युद्ध चल रहा है, इसका असर मुरादाबाद में पड़ रहा है। मुरादाबाद की तरफ ना तो सरकार का ध्यान है और ना ही ध्यान देने की यहाँ पर कोई कोशिश कर रहा है। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, गुटबाजी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, मुरादाबाद में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। इस सीट पर इस बार बीजेपी से कुंवर सर्वेश सिंह और बीएसपी मोहम्मद इरफान सैफी, जबकि सपा से रुचि वीरा चुनावी मैदान में है। अब देखना है कि मुरादाबाद की जो समस्या उठाई गई है, चाहे वो मैनिफेस्टो में हो और चाहे वो वहाँ के लोगों में हो, कारोबारियों में हो, उस पर कितना ध्यान दिया जाता है। @9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।